श्री विजय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके पवित्र दिन में हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं। हालांकि अभी भी कोविड-19 का प्रकोप जारी है और कुछ छूट कलीसियाओं को मिली है कि हम उसकी आराधनालय में जाकर आराधना कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कठिन है और संभव नहीं है कि हम लोग सामूहिक रूप में अभी उसके भवन में जमा हो पाए। लेकिन हमें नहीं पता कि कब ये कोविड-19 खत्म होगा और कब इसका प्रकोप खत्म होगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि ये सब कुछ परमेश्वर की योजना के अधीन चल रहा है और जिस दिन परमेश्वर की इच्छा होगी परमेश्वर इसका अंत करेगा और हम फिर से परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना कर पाएंगे। लेकिन जब तक ये संभव नहीं हो पा रहा है, हम परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद दें कम है, क्योंकि शायद हमने इस गंभीरता को कभी लिया नहीं था कि हमारा घर भी परमेश्वर अपनी आराधनालय के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पिछले 7 महीनों से परमेश्वर हमारे घर में विद्यमान है, परमेश्वर ने हमारे घर को अपना आराधना का घर बना लिया है और हमारे घरों में लगातार आराधनाएं हो रही हैं, जिससे कि हमारे आसपास के लोग भी इस बात को जान पा रहे हैं कि ये मसीह लोग हैं, ये परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी आराधनाएं परमेश्वर की निकटता में ग्रहण योग्य ठहर रही हैं और परमेश्वर हमारे घरों पर हमको आशीष दे रहा है। प्रियो, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि हमारे देश में इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन ये पूरा मंथ जो होता है, ये अक्टूबर का मंथ, ये पास्टर्स को डेडिकेट किया जाता है। और हमने देखा था कि 6 अक्टूबर जो था वो पास्टर्स डे के रूप में मनाया गया और आज का दिन भी एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये दिन पास्टर्स एप्रिसिएशन डे कहलाता है और इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और ये इसलिए शुरू किया गया ताकि परमेश्वर के सेवकों को, चाहे वो प्रीस्ट हैं, चाहे वो पास्टर्स हैं, रेवरेंड हैं, इवेंजेलिस्ट हैं, उनको प्रोत्साहित किया जा सके, एक दिन उनको डेडिकेट किया जाए ताकि कलीसिया के लोग अपने कलीसिया अपने पास्टर को, जो कि परमेश्वर की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं, उनको प्रोत्साहित कर सके, उनको अप्रिशिएट कर सके और अपनी प्रार्थनाओं में उनको याद कर सके। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। परमेश्वर का वचन भी आज हम इसी बात पर सुनेंगे, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि परमेश्वर को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमेशा इस कलीसिया का ध्यान रखा है, अपनी कलीसिया का ध्यान रखा है। और आज भी, जबकि हमारे आदरणीय पादरी साहब, जब डॉक्टर यशवंत इस संसार को छोड़कर परमेश्वर के पास गए, तो परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि उनकी देखरेख में 2 पास्टर्स इस कलीसिया को मिल पाए। हमारे एक और अजीज पास्टर, जो कि 25 जून को पादरी प्रकाश परमेश्वर के पास चले गए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपने पास बुलाया था, उसके बावजूद, उसके बाद भी परमेश्वर ने 2 पास्टर्स और भी आपकी सेवा के लिए दिए हैं, पास्टर संजेश और पास्टर प्रमोद और मैं, हम तीनों इस कलीसिया की अभी सेवा कर पा रहे हैं। लेकिन हमें आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपकी प्रोत्साहन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये दिन डेडिकेट इसी बात के लिए किया गया है ताकि पास्टर्स को अप्रिशिएट किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वो दूना बल प्राप्त करके परमेश्वर की सेवा में और आपकी कलीसिया की सेवा में लगातार लगे रहें। तो आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि अपने पास्टर्स को निरंतर आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और भूल कर भी उनके विरोध में कोई बात न कहें, क्योंकि ये परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि पास्टर्स परमेश्वर की तरफ से अपॉइंटेड और परमेश्वर की तरफ से अनॉइंटेड होते हैं और इस बात का ध्यान पूरी कलीसिया को रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पास्टर्स फरिश्ते होते हैं, वो कभी भूल नहीं कर सकते, गलती नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति जवाब दे हैं और परमेश्वर उनसे अपना हिसाब लेगा। लेकिन कलीसिया का कर्तव्य है कि वो पास्टर्स का को रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें और जो वचन वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर समझाते हैं, उस वचन को अपने मन में रख के उनके अनुसार अपने जीवन में चले, ताकि हम सब परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज फिर हमको मौका दिया है कि अपने घरों पर हम अपनी आराधना कर रहे हैं। और इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पास्टर प्रमोद प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और महान पिता परमेश्वर, हम बहुत ही दीन और नम्र होकर एक बार फिर से तेरे चरणों में उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस पवित्र दिन के लिए कि एक बार फिर से पिता परमेश्वर तूने हम सभी को ये मौका दिया कि पिता परमेश्वर हम तेरी आराधना कर सके पिता परमेश्वर, जबकि हम सब पिता परमेश्वर अपने घरों पर हैं, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर तूने इस कलीसिया को एक दूसरे से जोड़ रखा है और पिता परमेश्वर हम
घरों में होकर भी तेरी आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने पूरी कलीसिया को पिता परमेश्वर संभाला है, सभी की जरूरतों को पूरा किया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तूने अपने लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया है और होने दिया कि तेरे लोग पिता परमेश्वर तुझमें सुरक्षित रह सकें। रोजी हम इस समय खास तौर से अपनी कलीसिया के एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक परिवार पर तेरा अनुग्रह बना रहे और पिता परमेश्वर इस समय में सभी को पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा दे। खास तौर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारी कलीसिया में एक आशीष के रूप में हमारे लिए पिता परमेश्वर तूने रखे हैं, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो इस बदलते मौसम में पिता परमेश्वर तुझमें सुरक्षित रहें और पिता परमेश्वर तेरी महिमा करें। खासतौर से पिता परमेश्वर हम मिसेज गंभीर के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेज फूल विलियम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मिसेज मिस्टर चरण के लिए पिता परमेश्वर, और मिस्टर आर्यु सिंह के लिए पिता परमेश्वर, जबकि ये दुर्बलता की हालत में है पिता परमेश्वर, और तूने इन सभी को पिता परमेश्वर पहले से काफ़ी पिता परमेश्वर बेहतर किया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरी चंगाई इनके जीवन पर हो, ताकि पिता परमेश्वर ये लोग तेरी ओर से पिता परमेश्वर संपूर्ण चंगाई को प्राप्त करें और पिता परमेश्वर हम सभी तुझे धन्यवाद दे सकें। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, हम आगे की आराधना को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। खास तौर से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज के तेरे जीवित और पवित्र वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरे दास के द्वारा पिता परमेश्वर आज हम तक पहुंचाया जाता है। होने दे पिता परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार कर, ताकि उन वचनों को हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर आने दे और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर आगे की आराधना को तेरे ही पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू है मेरे जीने का कारण, तू है मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। तू है मेरे जीने का कारण, तू है मैं
मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ू, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ू। मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, मुझे पता नहीं कि हमें से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि अक्टूबर का जो मंथ होता है वो पास्टर्स को डेडिकेट किया जाता है। अभी 6 अक्टूबर को हमने पास्टर्स डे मनाया। हम जानते हैं कि 6 अक्टूबर 1536 को एक पास्टर जो इंग्लैंड के पास्टर थे, विलियम टेंडेल, उन्होंने इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट किया और इस वजह से ही उनको मार दिया गया और जला दिया गया। और उनकी याद में 6 अक्टूबर को पास्टर्स डे मनाया जाता है। और अमेरिका में 2nd संडे ऑफ अक्टूबर को पास्टर्स एप्रिसिएशन डे मनाया जाता है। नॉन ऑफिशियल ये हॉलीडे होता है, लेकिन इसमें इसलिए मनाया जाता है ताकि पास्टर्स को उनकी सर्विसेज के लिए सम्मान दिया जाए, उनकी सेवाओं के लिए उनको सम्मान दिया जाए। हालांकि हमारे भारत में इसकी शायद इतनी परंपरा नहीं है और इसको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन से देखें तो पास्टर की जो भूमिका होती है बहुत ही महत्वपूर्ण समाज के लिए होती है। और मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि परमेश्वर के द्वारा पास्टर जो है वो अपॉइंटेड होता है, अनॉइंटेड होता है, यानी पर पास्टर की नियुक्ति परमेश्वर की योजना के अनुसार होती है और परमेश्वर के द्वारा वो अपॉइंट किया जाता है। प्रियो, यदि हम यर्मिया नबी की पुस्तक में देखें, उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद जो है, वहाँ पर परमेश्वर स्वयं कहते हैं, और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। और यदि हम इसका KJV ट्रांसलेशन यदि इंग्लिश में देखें तो वहाँ लिखा हुआ है, एंड आई विल गिव यू पास्टर्स अकॉर्डिंग टू माई हार्ट विच शैल फीड यू विद नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल पास्टर्स दूंगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परमेश्वर पास्टर होता है वो परमेश्वर की तरफ से न केवल अपॉइंटेड होता है बल्कि अनॉइंटेड होता है, और हमें इस बात को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। साथ में यदि हम इफिसियों की पत्री देखते हैं, उसका 4 अध्याय और 11 पद में वहाँ पर पौलुस पास्टर्स के लिए बोलते हैं कि और उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने कितनों को भविष्य वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक करके दे दिया। और इसका भी यदि हम इंग्लिश में यदि हम ट्रांसलेशन देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, एंड ही मीन्स जीसस क्राइस्ट गेव सम अपोस्टल्स एंड सम प्रॉफेट्स एंड सम इवेंजेलिस्ट एंड सम पास्टर्स एंड टीचर्स। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन इस बात के लिए हमको हमें बताता है कि पास्टर्स परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और यदि हम इसी अध्याय में यदि इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय का यदि हम 12 पद देखें तो हमें ज्ञात होता है कि किस लिए पास्टर्स को परमेश्वर नियुक्त करता है। लिखा हुआ है 12 पद में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति करें, यानी टू लुक आफ्टर द स्पिरिचुअल नीड ऑफ द चर्च।
पास्टर्स की नियुक्ति इसलिए की जाती है और इसलिए एक पास्टर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि उसका उसकी नियुक्ति परमेश्वर के द्वारा हुई है और परमेश्वर का वो अभिषिक्त है और परमेश्वर के प्रति उसकी जवाबदेही बनती है। इसलिए पास्टर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरे उतरे और जो कलीसिया परमेश्वर ने उस पास्टर को दी है उसकी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरीके से ईमानदारी से निभाने वाला हो सके। लेकिन मेरे मित्रों, इस बात को हमको ध्यान रखना है कि पास्टर भी एक इंसान होता है, उसको भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं और वो भी कुछ चाहता है। इसलिए ज़रूरी है कि जिस कलीसिया में पास्टर नियुक्त किया गया है तो कलीसियाओं की भी कुछ जिम्मेदारी पास्टर के प्रति बनती है। और सबसे पहली जो जिम्मेदारी बनती है कि एक पास्टर को निरंतर प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन में यदि हम देखें पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 25वें पद में पौलुस कहते हैं, फ्रेंड्स कीप अप योर प्रेयर्स फॉर अस। हमें प्रियो मेरे मित्रों, परमेश्वर का दास लिखता है कि हमें प्रार्थना में निरंतर याद करो। जी हाँ मेरे मित्रों, एक पास्टर को एक कॉन्ग्रीगेशन की प्रार्थना की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। यदि प्राचीन कलीसिया में हम इस बात को देखें तो हम पाएंगे कि जब भी प्रेरित प्रचार कार्य के लिए भेजे जाते थे, परमेश्वर का वचन बताता है कि पूरी कलीसिया लौ लगाकर अपने प्रीचर्स के लिए प्रार्थना करती थी। मेरे मित्रों, याद रखें, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक पास्टर एक इंसान भी होता है, उसकी कुछ निजी आवश्यकताएं भी होती हैं, उसको भी थकावट होती है, वो भी कभी कभी बीमार पड़ता है, वो भी कभी डिप्रेशन में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है, कभी कभी अपने आप को थका हुआ या समस्या में महसूस करता है। और इस समय ज़रूरत पड़ती है कि कलीसिया अपने पास्टर्स के लिए लगातार प्रार्थना करे ताकि उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की वेदी तक पहुँचाया जाए और पास्टर को एक नया बल प्राप्त हो। मेरे मित्रों, कलीसिया की प्रार्थना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत एक पास्टर को पड़ती है। यदि हम इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसके 8वें पद में देखें तो वहाँ पर पौलुस कहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। पौलुस जो कि परमेश्वर के द्वारा अनॉइंटेड था, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया था और उसे चुना था प्रचार कार्य के लिए, वो व्यक्ति इस बात को कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। जी हाँ, वो कहता है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम अच्छी चाल चलना चाहते हैं, लेकिन तो भी वो कहता है कि मुझे तुम्हारी यानी कलीसिया की प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। मेरे मित्रों, एक कलीसिया का फर्ज बनता है कि लगातार अपने पास्टर को अपनी कलीसियाओं में याद रखे। आज मैंने कहा कि आज पास्टर एप्रिसिएशन डे है और हम सब इस बात को आज याद कर रहे हैं। हालांकि भारत में इसकी अभी इतनी परंपरा नहीं है, भारत में इतने लोग जानते नहीं हैं, लेकिन तो भी जब हमें पता लगता है कि पास्टर्स एप्रिसिएशन डे आज के दिन है तो अपने आप को हमें इस बात के तैयार करना चाहिए कि हम अपने पास्टर के लिए लगातार प्रार्थना करें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आपकी कलीसिया में परमेश्वर ने 3-3 अपने सेवकों को नियुक्त किया है जो कि परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटेड और अनॉइंटेड हैं। ज़रूरत है कि हमें आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, निरंतर प्रार्थनाओं में याद रखें। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके प्रोत्साहन की कलीसिया के प्रोत्साहन की एक पास्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, मनुष्य का स्वभाव होता है कि मनुष्य बहुत जल्दी क्रिटिसाइज़ करता है और मैं इस बात को बहुत बुरा नहीं मानता कि क्रिटिसाइज़ हमको नहीं करना चाहिए, हमको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। अच्छा, यदि हेल्दी क्रिटिसिज्म है तो वो हर एक अच्छा लगता है। मैं स्वयं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है क्योंकि परमेश्वर के वचन के बारे में मुझसे मालूमात हासिल करता है। यदि मैं जो कोई सरमन दिया है उसके बारे में कोई शक और शुबा है, यदि कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ। मुझे वो क्रिटिसिज्म अच्छा लगता है कि मुझसे सवाल पूछे। लेकिन मेरे मित्र, याद रखिए कि पास्टर भी कोई एंजल नहीं है, 100% परफेक्ट हम उसको नहीं कह सकते हैं। उसके अंदर भी हो सकता है शायद कुछ कमी हो, लेकिन पास्टर कोशिश करता है कि आपको परमेश्वर के द्वारा जो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो उसकी आत्मिक तृप्ति के लिए आपको पूरा अपना जो कुछ भी उसके पास है वो उसको दे दे ताकि आप आत्मिक भोजन से तृप्त हो सके। पास्टर आपकी आत्मा की चिंता करता है, पास्टर लगातार आपकी आत्मा के बचाव के लिए प्रार्थना करता है। इसलिए ज़रूरी है उसको भी एंकरेजमेंट की कि आप अपने पास्टर को एंकरेज करें। जी हाँ,
परमेश्वर का वचन बताता है। यदि हम बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में देखें 12वां अध्याय उसके 25वां पद यदि हम देखें, नीति वचन में लिखा हुआ है, हैप्पीनेस इन द हार्ट ऑफ अ मैन मेकेथ इट स्टूप बट अ गुड वर्ड मेकेथ इट ग्लैड। उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। यदि थोड़ा सा प्रोत्साहन अपने पास्टर को आप देंगे तो मेरे मित्रों वो और ज्यादा सेवा करने के योग्य अपने आप को बनाएगा। लेकिन एक भूल कई बार मेरे मित्रों हम करते हैं, मैं इसको गलती और पाप नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कई बार हमसे भूल होती है कि अनावश्यक क्रिटिसिज्म हम पास्टर का करते हैं। कई बार हम पास्टर के विरोध में बिना सोचे समझे बोलते हैं। आज जबकि हम सब पास्टर्स एप्रिसिएशन डे मना रहे हैं मेरे मित्रों, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन से चेतावनी देना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर के अनॉइंटेड के व्यक्ति के विरोध में बोलना कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आप जानते हैं यदि हम गिनती की पुस्तक में 12वां अध्याय और उसके 9 से 11 पद में देखते हैं तो वहां पर मरियम ने मूसा के विरोध में कुछ बातें की और उसका परिणाम यह हुआ कि उसको कोढ़ हो गया, परमेश्वर से क्रोधित हो गया और वो कोढ़ी हो गई। जब मूसा ने देखा कि मरियम कोढ़ी हो गई है, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर इस पर दया कर, और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुनकर उसके कोढ़ को ठीक कर दिया। जी हाँ मेरे मित्रों, हम इस बात को जानते हैं कि मूसा के अगेंस्ट बोलने पर परमेश्वर ने तुरंत मरियम को एहसास करा दिया कि उसने परमेश्वर के अनॉइंटेड के विरुद्ध बातचीत की है। यदि हम और आगे बढ़ते हैं गिनतियों की पुस्तक के 16वें अध्याय का यदि हम 2-3 पद देखते हैं तो वहां पर हम जानते हैं कि मूसा के विरोध में कोरह नाम का एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसके साथ उसके बहुत से साथी जो थे मूसा के विरोध में बात करने लगे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि कोरह और उसके जो 250 उसके अन्य लोग उसके साथ थे, जब उसने मूसा और हारून के विरोध में बात करना शुरू किया तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उनको धरती ने निगल दिया, धरती फट गई और ये तमाम लोग उसमें समा गए। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर का दास पास्टर जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है आपसे प्रोत्साहन चाहता है। लेकिन यदि आप उसके विरोध में बोलते हैं, और भी कई परमेश्वर के वचन से हम इसको उदाहरण पाते हैं, यदि आप देखते हैं 2 राजा उसका 2 अध्याय 22 और 23 पद में जहां पर एलिशा जो जा रहा है और कुछ बच्चे उसको मजाक में उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे चंदवा यानी टकला कहकर यानी बाल्ट कहकर उसको पुकारते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एक ऋषि ने आक्रमण किया और 42 लड़कों को फाड़ डाला। आगे यदि हम देखते हैं सैमुएल की किताब में 1 सैमुएल उसका 26 अध्याय और 9 पद में यदि हम देखें, हम जानते हैं कि शाऊल दाऊद को मारने की फिराक में था, दाऊद को वो एक तरह से घात करना चाहता था और जब दाऊद ने उसके जो उसका जो हथियार ढोने वाला विषय था, जब उसने देखा कि एक खो में शाऊल सोया पड़ा है और उसका जो हथियार ढोने वाला था वो भी सोया पड़ा है, तो अभिषेक ने कहा कि देख तेरा दुश्मन तेरे सामने है, इसके साथ जो करना है तू कर सकता है। मेरे मित्रों यहाँ पर दाऊद का हम एक जवाब देखे, दाऊद ने अभिषेक से क्या कहा, उसने कहा परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है, परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। और उसने शाऊल को हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो जानता था कि शाऊल परमेश्वर की तरफ से अनॉइंटेड राजा बना है मेरे मित्रों। और जब दाऊद ने उसके एबनर को देखा जो कि शाऊल का हथियार ढोने वाला था, उससे उसने कहा कि तूने ये अच्छा नहीं करा, तूने अपने स्वामी की रक्षा करनी चाहिए थी और तू मार डालने के योग्य है क्योंकि तूने परमेश्वर के अभिषेक का के प्रति जो तेरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तूने पूरी तरीके से नहीं निभाया और तू मार डालने के योग्य है। मेरे मित्रों परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के अभिषेक के विरुद्ध बात करके कौन बच सकता है। इसलिए मेरे मित्रों परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के जो दूत है, परमेश्वर का जो अभिषेक पास्टर है, आप उसको प्रोत्साहित करें, परमेश्वर चाहता है कि आप उससे बातचीत करें और उसको हर काम में उसके सहयोग दें, उसकी मिनिस्ट्री में सहयोग दें ताकि वो और ज्यादा शक्ति और सामर्थ पाके कलीसिया की सेवा कर सके। यदि हम इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और 17वें पद में हम देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है, पौलुस कहता है अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें न कि ठंडी सांस लेकर क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। जी हाँ परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि अपने अगुओं की मानो कि वो तुम्हारे लिए निरंतर जागते और प्रार्थना करते रहते हैं।
जी हाँ, उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आप पहला तीमोथियुस का 5वां अध्याय और 17वें पद में देखें, तुम्हारी लिखा है जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, तुम्हारे पास्टर जो तुम्हारी देखभाल करते हैं, तुम्हारी स्पिरिचुअल उन्नति का कारण बनते हैं, उनके प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुना आदर के योग्य समझे जाएं। जी हाँ, ये परमेश्वर का वचन है जो पास्टर्स परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जो सेवक परमेश्वर ने आपकी आपकी आत्मिक उन्नति के लिए दिए हैं, आपकी आपकी आत्मिक भूख को शांत करने के लिए दिए हैं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दो गुना आदर के योग्य समझे जाएं। जी हाँ मेरे मित्रों, पास्टर को आपको प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है। तीसरी एक और चीज बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के दास जो पास्टर आपके कलीसिया में नियुक्त किए गए हैं, उसको आपकी हेल्प की जरूरत ही पड़ती है। आप किसी भी रूप में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। मेरे मित्रों, मुझे ये बात करने में बिल्कुल कोई लज्जा नहीं आ रही है। मार्च 25 के बाद से परमेश्वर का भवन बंद पड़ा है और तकरीबन 7 महीने हो गए हैं, और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हम बहुत सी अपेक्षाएं पास्टर से करते हैं और करनी भी चाहिए। परमेश्वर का दास परमेश्वर से शक्ति पाकर आत्मा में होकर लगातार अपनी कलीसिया के लिए लगातार प्रार्थना करता है, और हम आपसे आपको एश्योर करना चाहते हैं कि हमारी व्यक्तिगत हमारी पारिवारिक प्रार्थना में कलीसिया का हर एक व्यक्ति रहता है, हर एक परिवार रहता है। लेकिन मेरे मित्रों, आज क्योंकि पास्टर एप्रिसिएशन का दिन है, पास्टर को प्रोत्साहित करने का दिन है, तो मुझे ये बात कहते हुए लज्जा नहीं आती कि इन पिछले 7 महीनों में शायद ही कोई एक या दो व्यक्ति होंगे जिन्होंने कभी पास्टर्स का फोन करके हालचाल पूछा कि पास्टर साहब आप इस लॉकडाउन में कैसे हैं। और मेरे मित्रों, आप नहीं जानते कि मुझे उससे कितना प्रोत्साहन मिला, कितनी शांति मिली कि कलीसिया के लोग अपने पास्टर का कितना ख्याल कर रहे हैं। बहुत संकट का समय था कोविड-19 का, और जो जिसे मैं अपना जानता हूँ कि मेरी उम्र जो है 65 साल ऊपर है, खतरा मेरे लिए बहुत ज़्यादा था बाहर जाने के लिए। लेकिन महीनों तक उस व्यक्ति ने मेरा पूरा घर का सामान मेरे घर पर पहुंचाया। मेरे मित्रों, परमेश्वर को कलीसिया के लोगों से अपेक्षा पास्टर करता है कि थोड़ा सा उसकी वो हेल्प करें। परमेश्वर का वचन में यदि आप देखें, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 12 और 13 पद में परमेश्वर का वचन बताता है, मैं पौलुस कहते हैं, और हे भाइयों, हम तुझसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, और आपस में मेल मिलाप से रहो, एंड बी एट पीस अमंग योरसेल्फ्स। जी हाँ, परमेश्वर का दास कहता है कि जो तुम्हारे अगुवे हैं, जो तुम्हारी देखभाल करते हैं, दिन रात तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनको मानो, उनकी इज्जत करो। और मेरे मित्रों, थोड़ा सा यदि कोई व्यक्ति अगर फोन पर भी हालचाल पूछ ले, तो एक पास्टर का दिल बड़ा खुश हो जाता है कि उसके पीछे भी कोई लोग हैं। जी हाँ, हम बार बार मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि लोगों की एक्सपेक्टेशन पास्टर्स से बहुत होती है, शिकायतें भी बहुत होती है कि पास्टर्स विजिट नहीं करते हैं, पास्टर्स ये नहीं करते हैं, पास्टर वो नहीं करते हैं। लेकिन आज चूंकि पास्टर्स एप्रिसिएशन डे है मेरे मित्रों, तो मैं आपसे कम्युनिकेशन से सवाल करना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो पास्टर के प्रति चिंतित हैं? आप में से कितने लोग हैं जो पास्टर्स के लिए प्रेयर करते हैं? आपके लिए कितने लोग हैं जो पास्टर्स को दो शब्द प्रोत्साहन के कहते हैं, अप्रिसिएशन के कहते हैं कि पास्टर साहब आपने बहुत अच्छा किया? मेरे मित्रों, ये गंभीर विषय है जो आज केवल साल में एक दिन मिलता है पास्टर को अपनी बात कहने का, अपने ऊपर प्रचार करने का। इसलिए मैं आज, क्योंकि परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर के वचन से बात करनी चाहिए, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन है और पास्टर को भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहला तीमोथियुस का 5वां अध्याय और 18वें पद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, और इससे स्पष्ट यदि हम देखें पहला कुरिन्थियुस का 9वां अध्याय और 14 पद में और ज्यादा स्पष्ट पौलुस कहते हैं, क्योंकि पौलुस भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं पौलुस और उसके साथी शायद थोड़ा सा इस संकट से गुजर रहे होंगे। पौलुस वहां पर कहते हैं, इसी रीति से प्रभु ने ठहराया भी है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार ही से हो। जी हाँ मेरे मित्रों, मैं यहाँ पर केवल आर्थिक हेल्प की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप बात कर रहा हूँ मॉरल सपोर्ट की, मैं आप बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअल सपोर्ट की, प्रार्थना की सपोर्ट की। और ये हर एक पास्टर अपनी कलीसिया से एक्सपेक्ट करता है कि इन चीज़ों में पास्टर्स की हेल्प अवश्य ही करनी चाहिए। जी हाँ मेरे मित्रों, जहाँ कलीसिया का सवाल है, बिल्कुल पास्टर भी कलीसिया से अपेक्षा करता है कि कलीसिया
लगातार उसके लिए प्रार्थना करें, उसको प्रोत्साहित करें और संभव जहां तक हो सके उसकी सहायता करें हर बात में। लेकिन पास्टर मेरे मित्रों, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा अनॉइंटेड होता है, तो परमेश्वर के दास पास्टर की भी कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको उसको पूरा करना चाहिए। जी हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम बुक ऑफ एक्ट्स में देखें उसका 20वां अध्याय और 28वें पद में पौलुस वहाँ पर कहते हैं कि अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जी हाँ, अगर कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो पास्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लगातार अपनी कलीसिया की पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी आत्मिक उन्नति का कारण बने और उसकी ठीक तरीके से रखवाली बने। आगे यदि हम देखें पत्रस दूसरे पत्री में अपने चौथे अध्याय के दूसरे पद में कहते हैं कि पास्टर को हर समय वचन के लिए तैयार रहना चाहिए, समय और असमय, और परमेश्वर के वचन से लोगों से बातचीत करनी चाहिए और सहनशील रहकर बिना उड़ाना दिए परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जी हाँ, एक पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सांसारिक बातें ना करके अपनी कलीसिया की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए लगातार काम करे। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आपकी कलीसिया के पास तीन तीन पास्टर हैं और तीनों पास्टर भरकस प्रयत्न करते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल नीड को पूरा कर सके, परमेश्वर जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा उनको देता है उन वचनों को आप तक पहुंचा सके। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना ना करें, बल्कि परमेश्वर के वचन को अमली जामा अपने जीवन में पहनाएं, ताकि एक आदर्श मसीही के रूप में आपकी पहचान हो, आदर्श मसीही के रूप में हमारी कलीसिया की पहचान हो और हमारी कलीसिया एक आदर्श मसीही कलीसिया बन जाए। जी हाँ, परमेश्वर के दास से बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन मेरे मित्रों, एक पास्टर का फर्ज बनता है कि वो अपना जीवन कलीसिया को समर्पित करे, अपने परमेश्वर को समर्पित कर दे। और पौलुस इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि रोमियो की पत्री का 14 अध्याय उसके 8वें पद हम देखते हैं तो वहां पर पौलुस लिखते हैं, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं और यदि मरते हैं तो भी प्रभु के लिए मरते हैं, तो यदि हम जिए या मरे प्रभु के लिए ही। कितनी सुंदर बात पौलुस कहता है, मेरे और आपके लिए, मेरे मित्रों जो हमारे पास्टर से, उनके लिए, कि परमेश्वर ने यदि हमको चुना है तो परमेश्वर ने अपने लिए चुना है, हमारा जीना मसीह और मर जाना लाभ होना चाहिए। पौलुस कहता है रोमी पत्री में कि अब हम यदि जीवित हैं तो भी प्रभु के लिए हैं, यदि मरते हैं तो भी प्रभु के लिए हैं, यानी हमारा जीवन मसीह में शुरू होकर मसीह में ही खत्म होता है और ये एक आदर्श पास्टर की एक पहचान होती है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन आज पास्टर से भी बातचीत करता है कि परमेश्वर ने जो लोग उनको दिए हैं, जो कलीसिया दी है, उनकी आत्मिक उन्नति का कारण बने, अपने जीवन को एक आदर्श मसीह के रूप में दिखा सके, ताकि उनका अनुसरण करके पूरी कलीसिया के लोग भी आत्मिक प्रगति कर सके, आत्मिक उन्नति कर सकें और हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। जी हाँ मेरे मित्रों, लेकिन एक और बात यहाँ पर एक बड़ी गंभीर बात है मेरे मित्रों, जो कि मुझे शायद कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि आज यदि हमारे समाज में देखें तो एक बहुत बड़ी बुराई आई है। आज कुछ मैं क्षमा चाहूँगा इन बातों को कहते हुए, लेकिन ये हकीकत है हमारे समाज की कि आज कुछ पास्टर्स ने परमेश्वर के वचन को एक जीविका का केवल साधन बना दिया है, व्यापार का साधन बना दिया है, कमाई का साधन बना दिया है। आज मेरे मित्रों, जरूरत है कलीसिया को इस बात को समझने की, वो इस बात को जाने कि कौन सच्चा प्रचारक है और कौन सच्चा प्रचारक नहीं है, कौन सच्चा पास्टर है जो परमेश्वर की तरफ से अनॉइंटेड है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की तरफ से अपॉइंटेड या अनॉइंटेड नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात में बहुत स्पष्ट रूप से हमें सावधान करते हैं। यदि आप मत्ती के सुसमाचार का 7वां अध्याय उसके 15वें पद में हम देखते हैं तो वहां लिखते हैं, बी अवेयर ऑफ फॉल्स प्रोफेट्स विच कम टू यू इन द शीप्स क्लोथिंग बट इनवर्टली They are revealing wolves. साहब लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति से सावधान रहो जो तुम्हारे पास भेड़ की खाल में भेड़िए के रूप में आते हैं और वो केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने साफ शब्दों में इस बात के लिए चेतावनी देते हैं कि हमें झूठे और सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान होनी चाहिए। 16वें पद में वो इसी पद के कहते हैं कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे।
जी हाँ, परमेश्वर का वचन में सावधान करता है कि हम कैसे पास्टर के पीछे चल रहे हैं, कैसे चरवाहे के पीछे चल रहे हैं। यदि हम पहला यूहन्ना और उसका चौथा अध्याय और उसके पहले पद में देखते हैं तो वहां पर एक चेतावनी है और वो चेतावनी है, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। और मेरे मित्र, ये तभी संभव है जब अपने पास्टर से परमेश्वर का सही वचन का ज्ञान हम लेते हैं, सही उपदेश लेते हैं और उसको अपने मन में धारण करते हैं। यदि परमेश्वर का वचन हम स्वयं अध्ययन करते हैं और उस अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तभी हमें पहचान होगी कि कौन प्रचारक सही बोल रहा है, कौन प्रचारक सही नहीं बोल रहा है, कौन प्रचारक अपने हित की बात कर रहा है और कौन प्रचारक आपकी आत्मा की हित की बात कर रहा है। और वहां पर पहली पत्री में यूहन्ना चौथे अध्याय के पहले पद में कहते हैं, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल चुके हैं। और मेरे मित्रों, आज क्योंकि पास्टर्स प्रोत्साहन का दिवस दिन है, मैं अपनी कलीसिया को सावधान करना चाहूंगा अपने दोनों पास्टर के साथ मिलकर कि हमें ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे झूठी शिक्षाओं से सावधान रहने की जरूरत है, ऐसी भीड़ से सावधान रहने की जरूरत है जो रूप तो भीड़ का धारण करते हैं पर असल में है वो फाड़ खाने वाले भेड़िए। आज कलीसिया को सावधान रहने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन में आज बने रहने की जरूरत है, क्योंकि मेरे मित्रों आज भी हमारे समाज में व्यक्ति पूजा आ गई है, आज हमारे समाज में अंधविश्वास, वचन की मिलावट और हम केवल चमत्कारों पर कई बार भरोसा रखने वाले बन गए हैं। हम स्वयं वचन का अध्ययन नहीं करते हैं इसलिए हम किसी की बात में भी आकर गलत शिक्षाओं पर कई बार चल लेते हैं। हमारे अंदर व्यक्ति पूजा की भावना भी बढ़ रही है, हम स्वयं परमेश्वर से अपना रिलेशन कायम करना नहीं चाहते हैं, हम किसी के थ्रू जाना चाहते हैं। आज हमने बहुत से अपने लिए उपदेशक बना लिए हैं, बहुत से अपने लिए मॉडल बना लिए हैं और उनके थ्रू हम परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अगर कोई मध्यस्थ है तो केवल प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन मेरे मित्र स्पष्ट रूप से कहता है, इसलिए यदि हम परमेश्वर के वचनों को अपने मन में नहीं रखेंगे, स्वयं अध्ययन नहीं करेंगे, यदि अपने अनुभव की बात नहीं मानेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे भटकने की संभावनाएं हैं और जिसका अनुचित लाभ ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आज उठा रहे हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो पास्टर्स आपको परमेश्वर ने दिए हैं उनका वो दो गुना आदर के योग्य समझे जाएं, और जब आप उनका संपूर्ण रूप से आदर करेंगे तभी आप उनका ख्याल करेंगे और उनके दिखाए हुए मार्ग पर आप चल पाएंगे। एक पास्टर आपकी स्पिरिचुअल नीड को पूरा करने के लिए परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटेड और अनॉइंटेड है, इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपका पास्टर आपकी सेवा के लिए है और सब पास्टर पूरे समय रात और दिन तैयार रहता है, लेकिन उसमें सब आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने पास्टर का ख्याल करें, उसके लिए निरंतर पास्टर्स का ख्याल करें। हम इस समय इस कलीसिया में 3 पास्टर्स हैं, आपके प्रार्थनाओं की हमको जरूरत है, आपकी प्रोत्साहन की जरूरत है और आपकी हमें और हेल्प की जरूरत है, हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, तभी ये तीनों पास्टर मिलकर परमेश्वर की इस बड़ी कलीसिया की देखभाल अच्छी से कर पाएंगे और ये कलीसिया उस मुकाम पर पहुंचेगी जिस पर परमेश्वर इसको ले जाना चाहता है, और कलीसिया और कलीसिया का प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बन पाएगा यदि हम उस वचन के अनुसार चलते हैं जो आपके पास्टर्स आप तक पहुंचाते हैं। मेरे मित्रों, मैं एक अंतिम छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगा एक पास्टर की। एक बार एक पास्टर थे, उन्हें एक कन्वोकेशन में बुलाया गया, एक थियोलॉजिकल कॉलेज था और उस कन्वोकेशन में वो पास्टर पहुंचे और जब वो पहुंचे तो एक व्यक्ति, एक लड़का उनके पास आया, नौजवान लड़का था उसके पास आया जो उस समय उसने ग्रेजुएशन की थी, और उसने पूछा पास्टर से कि पास्टर साहब आपको याद है कि एक बार एक संडे स्कूल में आप एक पढ़ा रहे थे, संडे स्कूल लेते थे आप पढ़ा रहे थे और अचानक एक बच्चा था जो संडे स्कूल का स्टूडेंट था और उसका एक बहुत ही कीमती पेन खो गया था और उसने आपको कहा कि मेरा बहुत कीमती पेन खो गया है, किसी बच्चे ने उठा लिया है, और आपने उस समय पूरी क्लास को खड़ा कर दिया था और पूरी क्लास से आपने कहा था कि अपनी आँखें बंद कर लो और मैं सबकी तलाशी लूँगा और वो पेन जो है मिलना चाहिए, और आपने सबकी तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद जब आंख खुली तो जिस व्यक्ति का, जिस लड़के का वो पेन गुम हो गया था वो पेन उसकी पॉकेट में उसको मिल गया। पास्टर ने कहा हाँ मुझे याद है कि वैसे घटना घटी थी, और उस
पास्टर ने जो कि ग्रेजुएशन जिसने की, उसने कहा पास्टर साहब वो लड़का मैं हूँ जिसने वो पेन चोरी किया था। और उस पास्टर ने कहा अच्छा मुझे पता नहीं, क्योंकि जब मैंने ये कहा था कि सब लोग आंखें बंद कर लो क्योंकि मैं परमेश्वर का दास था, तो मैंने स्वयं भी अपनी आंखें बंद की थी ताकि मैं किसी को बेइज्जत ना कर सकूं। मेरे मित्रों ये एक पास्टर का स्वभाव है। पास्टर बहुत सी बार अपनी आंखें बंद करना चाहता है। पास्टर चाहता है कि अपनी कलीसिया की अच्छी तरह से देखभाल करे और यदि कोई भी व्यक्ति यदि गलत चल रहा है तो उसको सही रास्ते पर ले आए। ताकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पास्टर की, आपके तीनों पास्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कलीसिया का एक व्यक्ति की जान हलाक ना हो बल्कि सबको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले, हम सब परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन पाए। लेकिन इसके लिए जरूरी है मेरे मित्रों, मैं फिर से वॉयस रिपीट करूँगा कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुना आदर के योग्य समझे जाएं। मेरे मित्रों जिस दिन भारतीय कलीसियाओं ने पास्टर्स का आदर और सम्मान करना सीख लिया, जिस दिन भारतीय कलीसिया ने अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करनी सीख ली, जिस दिन भारतीय कलीसिया ने अपने पास्टर्स को प्रोत्साहित करना सीख लिया और उनको उनकी मदद करना सीख लिया, मेरे मित्रों परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, कलीसियाएँ उन्नति करेंगी और ये इन्हीं कलीसियाओं के द्वारा पूरा जो समाज है वो तरक्की करेगा और हम सब परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो पाएंगे। मैं एक बार फिर से अपने तमाम पास्टर्स को पास्टर्स प्रोत्साहन दिवस पर मुबारकबाद देता हूँ और मैं आह्वान करता हूँ कि परमेश्वर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको दी है ईमानदारी से हम उसको पूरा करें ताकि परमेश्वर की देह उन्नति पाए और हम सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। परमेश्वर हम सबको बताए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक और दिन तुमने हमारे जीवन में दिया कि हम तेरी आराधना करने पाए अपने परिवारों के साथ मिलकर। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने भी लोग तेरे चरणों में बैठकर आराधना कर चुके हैं या कर रहे हैं या करेंगे प्रभु तेरी उपस्थिति हो और सभी लोगों को खुदावत आशीष दे। खासतौर से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज कि सारा संसार पास्टर्स डे सेलिब्रेट करता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तमाम तेरे दास दासियों के लिए जिनको खुदावंत ने कलीसिया में नियुक्त किया है कि वो तेरी कलीसिया की निगरानी करें। दुआ करते हैं सभी पास्टर्स को प्रभु तू अच्छी सेहत दे, उनके परिवारों को सुरक्षा दे, विश्वासियों की सुरक्षा करना खुदावंत। और दुआ करते हैं जो जिम्मेदारी तेरी ओर से पासवानी के तौर पर बहुत तेरे लोगों को मिली है उनकी अगुवाई करने परमेश्वर तो सहायता कर। पवित्र आत्मा का दुनाभिषेक दे। धन्यवाद करते हैं आज तक प्रभु तूने अपने सभी दासों को संभाला है, आगे भी संभाल। जबकि प्रभु ये समय काफ़ी नाजुक है, आर्थिक तौर से भी शैतान जोरावर है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी की सुरक्षा कर और सभी पासवानों की जरूरतों को पूरा कर, चाहे वो जिस्मानी हैं, आर्थिक हैं, पारिवारिक हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु ताकि हर एक जन जिसको खुदावंत ने जिम्मेदारी दी है तुझमें होकर पूरी करने वाला हो सके। पिताजी हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय खासतौर से हमारे परमेश्वर पिता हमारी कलीसिया के सभी लोगों पर तेरी बरकत हो और विशेष हम दुआ करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है, सभी को तू आशीषित कर खुदावर जैसे तूने बीते वर्षों में उन्हें संभाला है, आने वाले साल में भी संभाल और जो आशीष तुमने उनके रखे प्रभु से प्राप्त करते चले जाए। और तमाम वो लोग जो जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं प्रभु जी तुझमें और तेरे विश्वास में तेरे वचन में और मजबूत होते चले जाए। हम दुआ करते हैं अपने तमाम प्रियजनों के लिए जिनकी शादी की सालगिरह प्रभु इस सप्ताह में है, उनको आशीष दे। और दुआ करते हैं पति पत्नी एक साथ मिलकर लंबे अरसे तक एक साथ अपनी शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करते चले जाए। प्रभु उन दोनों को भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे, खासतौर से इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाते हैं पति पत्नी के बीच में। हम दुआ करते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इनके रिश्तों को मजबूत करें। दुआ करते हैं उन्हें व्यक्तिगत और पारिवारिक आशीष प्रदान कर। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया की तमाम सेवाओं पर तेरी बरकत हो और साथ ही हम दुआ करते हैं प्रभु जो कोरोना वायरस की चपेट में हैं, जो बीमार हैं प्रभु सभी को चंगाई दे। दुआ करते हैं खुदावंद उनके लिए जिनको तुमने चंगाई दी है, धन्यवाद। और जिन्हें अभी तेरे सहारे की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है प्रभु तुमने प्रदान कर ताकि वो भी तेरी महिमा करते चले जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी कलीसिया के सभी लोगों के साथ हो और विश्व के तमाम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं सबके साथ हो। और साथ ही दुआ करते हैं तेरे अनुग्रह से ये कोरोना वायरस हमेशा हमेशा के लिए बहुत जल्द समाप्त हो सके ताकि प्रभु
तेरे भवन के द्वार खुल जाए और लोग प्रार्थना करने के लिए तेरे भवन में आ सकें। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं, साथ ही हम धन्यवाद देते हैं आज के चुनौतीपूर्ण वचन के लिए खुदावन तेरे दास के द्वारा प्रभु जो हम तक पहुँचाए गए हैं, और दुआ करते प्रभु कलीसिया के लोगों को ऐसा मन और ऐसी आत्मा प्रदान कर कि अपने पासवानों की इज्जत कर सकें और खुदावन उनके लिए प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और सामान्य विश्वासियों के साथ आज से लेकर सर्वदा तक होती रहे।